हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ली जाने वाली महिला परिवेक्ष भर्ती परीक्षा 2021 के पाठ्यक्रम के भाग एक के अंतर्गत शामिल मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ये जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है, यह जो टॉपिक है आपका भाग एक के अंतर्गत जो है राज्य मत से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत आता है। वीडियो शुरू करने पहले हम कहना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की सारी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके और एक आप अच्छी तैयारी कर पाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग से टॉपिक भी है, एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत भी आता है और अलग से भी टॉपिक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही प्रश्न एक ठोक। तो चलिए देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में 0 से 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में व्याप्त एनीमिया एक चुनौती है। ठीक है, तो ये जो सुपोषण अभियान है मुख्य रूप से किसके लिए आ रहा है, देख रहे हैं आप, बच्चों के लिए है और माताओं के लिए है, जिसे जड़ से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में NFHS-4 के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 0 से 5 यानी कि 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे लगभग 37.7% कुपोषित हैं। इसी प्रकार से 15 से लेकर 49 वर्ष आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं कितनी है, 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी इनके शरीर में है। बच्चे एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार हेतु, है ना, अब ये समस्या तो है, तो इसके सकारात्मक सुधार हेतु क्या किया गया, आदिवासी बाहुल्य दंतेवाड़ा जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान दिनांक 24 जून 2019 को प्रारंभ किया। ये जो प्रश्न सेकंड बन जाता है आपका कि सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान कब प्रारंभ किया गया, तो 24 जून 2019 को प्रारंभ किया गया। थोड़ा डिटेल देख रहे हैं, फिर मैं आपको पूरा प्रश्न करवाऊंगा इससे संबंधित, है ना। अब अगला, अभियान की सफलता को देखते हुए प्रदेश के अन्य जिलों में भी गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया। अब ये भी प्रश्न बनेगा आपको कि गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि पे किया गया, तो 150वीं जयंती पे किया गया, है ना। पूरे जिले में, छत्तीसगढ़ के पूरे जिले में कब लागू किया गया, तो 2 अक्टूबर 2019 को जो है लागू किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभियान का प्रमुख उद्देश्य, अब ये जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है इसका उद्देश्य क्या है, तो अभियान का प्रमुख उद्देश्य है 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को एनीमिया मुक्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य। तो लाभार्थी केवल दो हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं और 49 वर्ष की आयु की महिलाएं हैं, ये दो लाभार्थी हैं। अभियान अंतर्गत प्रदेश के लगभग 1.85 लाख हितग्राहियों को गर्म भोजन, ठीक है, अब इसको कैसे दूर करेंगे भाई, उनको अच्छा पौष्टिक भोजन दे रहे हैं 1.85 लाख हितग्राहियों को गर्म भोजन और 3.53 लाख हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा, चिक्की, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, अंडा चिक्की क्या होता है, वो गुड़ और मूंगफली का होता है ना, आप लोग खाते होगे, ठीक है, तो वो होता है, तो अंडा है, चिक्की है, लड्डू है आपके, बेसन का जो क्या कहते हैं उसको, मिक्सचर का लड्डू होता है ना, वो लड्डू वगैरह देते हैं, मूंगफली है, दलिया, ये सब दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एनेमिक बच्चों या महिलाओं को IFA अथवा सिर्फ कृमि नाशक दवाई एवं व्यवहार तथा खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएं भी दी जाती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है भैया, है ना, और ये सब जो है आंगनबाड़ी के द्वारा प्रदान होता है। इस अभियान की मुख्य बात यह है कि अभियान का क्रियान्वयन जो है, अब ये जो कैसे होगा, तो जन सहयोग एवं सहभागिता से किया जा रहा है। इस अभियान के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय मतलब जो खर्चा होना है, इसकी प्रतिपूर्ति कहाँ से होती है, जिला स्तर पे उपलब्ध खनिज न्यास निधि द्वारा एवं CSR मद द्वारा एवं जन सहयोग से प्राप्त धनराशि से किया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे बनेगा, इसका जो व्यय है इसकी प्रतिपूर्ति कहाँ से हो रही है, तो खनिज न्यास निधि द्वारा, CSR द्वारा और जन सहयोग से प्राप्त धनराशि जो मिलती है उस
राशि का उपयोग जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में लगाया जाता है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुपोषण निधि का भी गठन किया गया है। आप और हम चाहें तो इस निधि में पैसा डाल सकते हैं। जिले की परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुरूप अभियान का संचालन के लिए जिले स्तर पर कार्य योजना एवं रणनीति तैयार कर क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब यहाँ अगला जो प्रश्न बनेगा यह है कि इस अभियान को 3 वर्षों के लिए चलाए जाने का निर्णय लिया गया है, तो कब स्टार्ट हुआ था? 2019 में, 2021 आ गया है, तो लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। अभियान को योजनाबद्ध और जारी रखने के लिए अभियान को योजना के रूप देने पर भी विचार किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब आगे भी जो है इसको जारी रखा जाए, इस पर भी विचार चल रहा है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो छोटी सी बात है, सुपोषण योजना क्या है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि भैया जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं और 15 से लेकर 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं, है ना, इनके स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, बच्चों में कुपोषण और एनीमिया दूर करना है और माताओं में जो है एनीमिया दूर करना है, यह लक्ष्य है, इसको दूर करना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत। और अंडा खिला रहे हैं, चिक्की खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं और क्या खिला रहे थे, कुछ और भी अच्छा खिला रहे हैं, आप ध्यान में देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं, सब आंगनवाड़ी के अंतर्गत चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई? 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर की गई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सुपोषण दंतेवाड़ा अभियान कब चलाया गया? तो कब चलाया गया? 24 जून 2019 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। 24 जून 2019 को प्रारंभ किया गया, फिर देखा गया कि भाई ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो चलो पूरे राज्य में लागू करते हैं, तो 2 अक्टूबर 2019 से पूरे राज्य में भी लागू कर दिया गया। तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? तो 6 वर्ष से कम आयु एवं 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं, है ना, इन सब में व्याप्त कुपोषण और एनीमिया को दूर करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 6 वर्ष से कम उम्र के कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं? ऐसा प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, तो 37.7% बच्चे जो हैं कुपोषित हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितनी प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं? तो कितनी प्रतिशत है? 47% जो है, काफी बड़ा मात्रा है, 47% महिलाएं जो है एनीमिया से ग्रसित हैं। अगला है दोस्तों, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के व्यय की राशि में किसका अंशदान होता है? तो किनका अंशदान होता है? जिला स्तर पर खनिज न्यास निधि का होता है, CSR का होता है और जन सहयोग से जो राशि प्राप्त होती है उसका होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की अवधि कितनी है? तो कितनी अवधि है? 3 वर्षों के लिए इसको अभी लाया गया है और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत कितने लोगों को गर्म भोजन प्रदान किया जाता है? तो गर्म भोजन जो है 1.85 लाख हितग्राहियों को जो है यह दिया जा रहा है, ठीक है। और देखिए एक अभियान और है, पोषण अभियान, उसका भी एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, पूरा निचोड़ में एक ही प्रश्न अच्छा लगा मुझे, और वो है कि देशव्यापी पोषण अभियान का शुरुआत देश में कब किया गया? तो ये कब किया गया? 8 मार्च 2018 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा झुंझुन राजस्थान में किया गया था, ठीक है, झुंझुन राजस्थान में इसको किया गया था शुरुआत, 8 मार्च 2018, याद रखिएगा, पोषण अभियान शुरू किया गया था। और मुख्यमंत्री पोषण अभियान जो है छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 से पूरे जिलों में लाया गया, और यदि सुपोषण दंतेवाड़ा अभियान लिख देगा तो 24 जून 2019 से प्रारंभ किया गया था। तो ये था दोस्तों मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जो कि राज्य मध्य से चलाया जाने वाली योजना है। आशा दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।